अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बेसन के पकोड़े। एक पाव मैंने बेसन लिया है, 2 टेबलस्पून फ्रेश धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए जिन्हें चिप्स की तरह काट लेना है, 1 अदद प्याज लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चुटकी अजवाइन, 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया लिए हैं, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी मीठा सोडा, 1 टेबल स्पून अनारदाना पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर लें। अनारदाना पाउडर अगर नहीं है तो आप साबुत अनारदाना डाल लें। और 1 अदद यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है, अब अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें जितनी डालना चाहते हैं डाल लें। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन में जितने सारे मसाले और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सब ऐड कर देंगे। अब 1 कप पानी लिया, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब दूसरी तरफ कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म होगी इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, आप स्पून की मदद से चाय बना लें। पकौड़े मैं हाथों से बना रही हूँ, हाथों से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आपने वेट करना है, जैसे ही पकौड़े पकेंगे वो खुद ब खुद ऑयल के ऊपर आ जाएंगे, तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। देखिए ऊपर आ चुके हैं, साइड चेंज कर देंगे। पकौड़े पक चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे ऑयल में से। जिस भी बर्तन में आपने पकौड़े निकालने हैं उसके पहले न्यूज़पेपर या टिश्यू रख दें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए। पकौड़े रेडी हो चुके हैं, अब आप ये देखेंगे